कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज का टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ओवेरियन सिस्ट का डेफिनेशन एंड इसका साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे है कि ओवेरियन सिस्ट आर क्लोज्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर विद इन एन ओवरी दैट कंटेन अ लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस। सिस्ट इज मेरली एन जनरल टर्म फॉर अ फ्लूड फील्ड स्ट्रक्चर विच मे और नॉट मे रिप्रेजेंट अ ट्यूमर। इफ इट इज अ ट्यूमर इट मे बी बेनाइन और मैलिग्नेंट। ओके, क्या होता है कि जो ओवरी होती है तो ओवरी के क्लोज यानी कि ओवरी के एकदम पास में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि एक थैली बन जाती है जिसमें कि लिक्विड भर जाता है, या तो लिक्विड भरता है। यहाँ पे है सेक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ, उसमें लिक्विड भर जाता है या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस। ओके, तो वो होता है ओवेरियन सिस्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि जो वो सेक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है तो जिसमें कि लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस जिसमें भरा होता है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी मे और मे नॉट रिप्रेजेंट अ ट्यूमर। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि वो ट्यूमर जैसा हो जाता है या फिर कभी कभी नहीं होता है। ट्यूमर से मीन्स है कि कभी लिक्विड होता है, और ट्यूमर से यहाँ पे मीन्स है कि कभी कभी वो सेक जो होता है वो हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पे कभी कभी ट्यूमर बन जाता है या फिर कभी कभी नहीं भी बनता, वो सॉफ्ट ही रह जाता है, यानी लेकिन फिर भी वो ओवेरियन सिस्ट ही कहलाएगा। या तो वो हार्ड हो जाए या सॉफ्ट रहे, जब वो सेक बन जाएगा तो वही ओवेरियन सिस्ट होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इफ़ इट इज़ अ ट्यूमर मे बी बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो जो वो ट्यूमर बनता है तो वो क्या होता है कि कभी कभी वो बेनाइन होता है या फिर कभी कभी मैलिग्नेंट होता है। तो बेनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस क्या है? तो बेनाइन और चीज़ इसमें क्या है कि बेनाइन हो या फिर मैलिग्नेंट हो, अगर वो ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी करनी ही है। ओके, वो सर्जिकल ही होगा। बट इसमें क्या है कि बेनाइन का मीन्स ये होता है कि जो बेनाइन होता ट्यूमर होता है उसको अगर सर्जरी के थ्रू निकाला जाए, रिमूव किया जाए, तो वो अच्छे से वो रिमूव हो जाता है, वो क्लियर कंप्लीट रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट उसका फिर से उसको ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, फिर वो ग्रो नहीं करता है, वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल होता है, इसको ट्रीट करके ठीक किया जा सकता है बेनाइन को। ओके, यहाँ पे क्या है कि मैलिग्नेंट जो है, तो यहाँ पे मैलिग्नेंट से मीन्स ये है कि जो भी वहाँ ट्यूमर को हम रिमूव करते हैं तो वहाँ पे उसके कुछ टिश्यू कुछ सेल्स रह जाते हैं जो कि फिर से ग्रो करके फिर से एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ओके, तो इसको सर्जरी के थ्रू भी हम रिमूव नहीं कर पाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को। ओके, तो मैलिग्नेंट में डिफरेंस तो ये हो गया कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो ओवेरियन सिस्ट होता है इसका कोई भी साइन एंड सिम्टम पता नहीं चलता है। ओवेरियन सिस्ट हो जाता है फिर भी कोई साइन सिम्टम पता नहीं चलता, और कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ मंथ तक ये अगर ओवेरियन सिस्ट हुआ है और पता चल गया कि ओवेरियन सिस्ट है तो वो कुछ मंथ्स के बाद वो डिसअपियर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो कुछ मंथ्स के बाद भी रह जाता है, डिसअपियर खुद से नहीं होता है, तो वो सीरियस कंडीशन है, उस टाइम पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि पूरे इंडिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हैं इसके ओवेरियन सिस्ट। क्योंकि क्या है कि मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया। ओके, 10 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस पर ईयर आते हैं इसके ओवेरियन सिस्ट के। ओके, तो क्या ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है ओवेरियन सिस्ट। ये ओवेरियन सिस्ट का साइन एंड सिम्टम, तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओवेरियन सिस्ट में क्या होता है कि कभी कभी साइन एंड सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, बहुत कम केसेस में साइन एंड सिम्टम्स पता चलते हैं। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेकेंड एंड नोजिया, वोमिटिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल फुलनेस, ब्रेस्ट पेन, एचिंग इन द पेल्विक रीजन, लो बैक पेन, यूरिनरी अर्जेंसी, सारे साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे ओवेरियन सिस्ट के। इसमें और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, तो हमने देख लिया साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि डायग्नोसिस, ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब डॉक्टर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस दौरान
पता चल सकता है ओवेरियन सिस्ट का कि ओवेरियन सिस्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि मोस्ट केसेस में जो ओवेरियन सिस्ट का पता चलता है तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चलता है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको डायग्नोस किया जाता है ओवेरियन सिस्ट को। ओवेरियन सिस्ट को डिटेक्ट करने का बेस्ट टेक्निक जो है वो है इमेजिंग टेक्निक। ओवेरियन सिस्ट को और भी अदर मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं, सच एज सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सारी चीज़ों के थ्रू भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हम देख लेते हैं कि ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। उसका ट्रीटमेंट ये है जिसमें कि द आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट डिपेंड ऑन द लाइकली केस ऑफ द सिस्ट, ओके, एंड वेदर और नॉट इट इज प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स, ओके। नेक्स्ट इज में द वीमेन्स एज, द साइज ऑफ द सिस्ट एंड द सिस्ट्स अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड हेल्प डिटरमाइन द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सिस्ट दैट आर फंक्शनल आर यूजुअली ऑब्जर्व विथ फ्रिक्वेंट अनलेस दे रप्चर एंड कॉज सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग विच इज इन विच केस सर्जिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रिक्वायर ऑपरेशन, ओके। तो इसमें क्या है कि जो ओवेरियन सिस्ट होता है तो वो डिपेंड करता है, इसका ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ओवेरियन सिस्ट पे कि वो किस तरह सिस्ट का साइज क्या है और वो जो वीमेन है तो उसकी एज क्या है, यानी कि वो ज़्यादा एजड है या फिर यंग है या फिर कोई गर्ल है, तो उसकी एज पे भी डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट और ओवेरियन सिस्ट पे भी कि वो उसका ओवेरियन सिस्ट का साइज कैसा है। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने डायग्नोसिस में बताया। नेक्स्ट इसमें है उसको हम डिटेक्ट करते रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि ये कहीं रप्चर तो नहीं हो रहा, इसकी साइज़ बड़ी तो नहीं हो रही। तो अगर वो इन केस वो रप्चर हो जाता है, वो जो ओवेरियन सिस्ट है वो रप्चर हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है ऑपरेशन का। उस टाइम पे या तो वो सिस्ट बिनाइन हो, या तो वो सिस्ट बिनाइन ट्यूमर हो या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, उस केस में ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कि ओवेरियन सिस्ट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट का कोई भी प्रिवेंशन नहीं है, क्योंकि जब ओवेरियन सिस्ट हो गया तो उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसका ओनली ऑप्शन है ट्रीटमेंट, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया ओवेरियन सिस्ट, जो आज का टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो मेरे कोई डाउट रह जाता है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।